तो दोस्तों वीवो प्रो कबड्डी सीजन 9 खत्म हो चुका है और वीवो प्रो कबड्डी सीजन 9 का चैंपियन मिला जयपुर पिंक पैंथर्स को। जयपुर दो बार चैंपियन बने वीवो प्रो कबड्डी इतिहास में, तो दूसरा सक्सेसफुल टीम बन चुका है वीवो पीगेल के इतिहास में। आज जयपुर ने पुनडी पलटन को फाइनल में 33-29 चार पॉइंट के मार्जिन से हरा दिया। जयपुर के तरफ से सभी रेडार और डिफेंडर ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। पुनडी पलटन के कोई भी रेडार उतना अच्छा नहीं चला, डिफेंस तो चला लेकिन आखिर में थोड़ी सी भूल के वजह से पुनडी पलटन इस मैच को गवा बैठे। जब जयपुर पिंक पैंथर्स चैंपियन बने इस सीजन में, तब अभिषेक बच्चन और उनके परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए अर्जुन देसवाल ने टोटल 6 रेड पॉइंट लिया, सुनील कुमार ने टोटल 5 टैकल पॉइंट लिया। भी अजीत कुमार ने आज बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, उन्होंने एक लाइन जंप भी लगाया। अजीत कुमार ने आज टोटल 6 रेड पॉइंट लिया, अभिषेक ने 3 टैकल पॉइंट लिया, साहुल कुमार ने 3 टैकल पॉइंट लिया और जयपुर इस मैच को बहुत ही आसानी से जीत लिया। तो दोस्तों आखिर में पुनडी पलटन ने थोड़ी सी टक्कर दिया लेकिन कोई काम नहीं आया। आखिर में बहुत सारे गलतियां करे पुनडी पलटन के खिलाड़ी। पुणे के तरफ से आदित्य सिंधर ने टोटल 5 रेड पॉइंट लिया, आकाश सिंधर ने 4 रेड पॉइंट लिया और नटराजन ने 4 टैकल पॉइंट लिया और नोवीबॉक्स ने 4 टोटल पॉइंट लिया। लेकिन दोस्तों फैजल अख्तर चली भी इस मैच में नहीं चले। मैच जब खत्म हुआ जयपुर तो चैंपियन बन गया, बहुत ही जश्न मना रहे थे, लेकिन दोस्तों पुनडी पलटन के खेमे में थे बहुत सारे निराशा, क्योंकि दोस्तों फैजल अख्तर चली लगभग रो पड़े और सभी खिलाड़ी पुनडी पलटन के इमोशनल थे। रणवीर सिंह जो कि पुणे को सपोर्ट कर रहे थे वो भी इमोशनल थे। अभिषेक बच्चन बहुत ही ज़्यादा खुश थे और जयपुर वीवो पीकेएल सीजन 9 में चैंपियन बन चुका है। तो आपको क्या लगता है सीजन 10 अगर स्टार्ट होता है कौन सी टीम चैंपियन है, कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।